हेलो दोस्तों, अगर आप समोसा, कचौड़ी और पकौड़ी खाकर बोर हो गए हों तो ये नाश्ता ट्राई कीजिए। इसे मैंने सिर्फ एक प्याली सूजी से बनाया है। ये बहुत जल्दी 10 मिनट में बनकर तैयार हो जाते हैं और खाने में तो ये बहुत टेस्टी लगते हैं। तो इसे एक बार आप ज़रूर बनाइए और अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। इस नाश्ते को बनाने के लिए मैंने इस फ्राई पैन को गर्म कर लिया है और इसमें हम डालेंगे एक कप पानी और गैस की फ्लेम को हम हाई रखेंगे ताकि इसमें जल्दी से उबाल आ सके। और मैंने यहाँ पे थोड़ा सा नमक डाला है और एक चम्मच रिफाइंड ऑयल। तो नमक हम यहाँ पर थोड़ा सा ही डालेंगे क्योंकि हमें आगे भी नमक डालना है और इसे एक बार अच्छी तरह से चला लेंगे। तो पानी में अच्छी तरह से उबाल आ चुका है। मैं यहाँ पर एक प्याली सूजी ली हूँ। जब पानी अच्छी तरह से खौलने लगे तब इस सूजी को हम इस तरह से आराम आराम से डालते जाएंगे और चलाते जाएंगे ताकि इसमें गुठलियाँ ना पड़े। हम आराम आराम से ही डालेंगे, एक बार नहीं डालेंगे वरना ये गुठली बन जाएगी और वो आसानी से नहीं टूटेगी। तो ये देखिए हम इस तरह से डालते गए। यहाँ पर आप गैस की फ्लेम को लो कर दीजिए और इसी तरह से आराम आराम से चलाते जाइए। और इस तरह से बस इसे बनाना बहुत आसान है, बहुत जल्दी डो बन जाता है। ये देखिए इस तरह से मैंने बना लिया है। तो डो हमारा पूरी तरह से बन चुका है। तो इसे हम एक प्याले में अलग रखकर कुछ देर इस तरह से ठंडा होने देते हैं। तो इधर हम कढ़ाई रख लेंगे और उसमें थोड़ा सा 2 चम्मच तक तेल डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे, और इसे गर्म होने देंगे। तो तेल हमारा गर्म हो चुका है तो हम इसमें 5-6 लहसुन की कलियों को काट कर डालेंगे और उसे थोड़ा ब्राउन भूरा होने तक लाल कर लेंगे। लहसुन हमारा लाल हो चुका है तो अब हम इसमें थोड़ा सा क्रश किया हुआ अदरक डालकर लाल कर लेंगे। और मैंने यहाँ पर एक मिर्ची को भी काट कर डाला है और सबको एक साथ भून देंगे। लहसुन हमारा हल्का ब्राउन हो चुका है तो यहाँ पर हम 2 कटी हुई प्याज को बारीक काट कर रखा था तो इसे हम डालकर हल्का हल्का भूंजेंगे। तो गैस की फ्लेम को यहाँ पे हम हाई कर देंगे और इस तरह से चलाते जाएंगे। प्याज को हमें ज़्यादा वैसे नहीं करना है, लाल नहीं करना है ज़्यादा। प्याज में जो नमी होता है उसे ही सिर्फ हम सॉटे करेंगे। प्याज हमारा हल्का ब्राउन हो चुका है तो हम यहाँ पे कुछ सूखे मसाले में हल्दी पाउडर और मिर्चा पाउडर डालेंगे। तो इन सारी चीज़ों को हम एक बार अच्छी तरह से चला लेंगे ताकि मसाले अच्छी तरह से भुन सकें। तो ये देखिए भुन गए हैं। तो मैं यहाँ पे एक छोटी चम्मची धनिया पाउडर डाल रही हूँ और इसे भी हम एक बार चला लेंगे। आप यहाँ पास 1 चम्मच नमक भी डाल दीजिएगा। मैं कैमरा ऑन करना भूल गई थी। मैं 2 टमाटर को बारीक काट कर यहाँ पर डाल रही हूँ। इन सारी चीज़ों को हम हल्का हल्का भूनेंगे। नमक को डालते ही टमाटर हमारे गल चुके हैं, कुछ इस तरह से भून भी गए हैं। तो यहाँ पे हम 1 कप बेसन आराम आराम से धीरे धीरे डालते हुए इसे चलाएंगे ताकि गुठली ना पड़े, ये लम्स वगैरह नहीं होने चाहिए। तो इसी तरह से हम मेल्ट करेंगे। हमें स्पैचुला से कुछ इस तरह चलाते हुए आराम से इसे भुनेंगे। और ये देखिए मैंने गैस की फ्लेम को लो ही रखा था तो ये अब भुन चुके हैं। इसे हम अलग रख देंगे और आगे की तैयारी करेंगे। हमने जो डो को रखा था तो हाथों में तेल लगाते हुए इसे कुछ इस तरह से मसल लेंगे। ये कुछ ठंडे हो चुके हैं, अभी सर्दी का मौसम है तो इसे गरम गरम भी बनाएंगे तो हाथों में नहीं जलेगा, तो ये चिकना भी बनता है। तो इसी तरह से हम मसलते हुए हर लोई को चिकना करेंगे ताकि आराम से बन सके। हाथों में जब तेल लगा हुआ होता है तो ये डो जो है बहुत अच्छी तरह से चिकना हो जाता है, बिल्कुल भी नहीं फटता। तो ये देखिए इस तरह मैंने बनाया है। इसे कटोरी की तरह फैलाते हुए कुछ इस तरह से हम करेंगे। इसमें हम स्टफिंग 1 चम्मच भरेंगे, आपको जितना डालना हो उस हिसाब से डालिएगा और कुछ इस तरह से भर दीजिएगा। तो हम इसे चम्मच से ही भर रहे हैं क्योंकि ऊपर ऊपर पीला पीला हल्दी का दाग लग जाता है तो अच्छा नहीं लगता है दिखने में। इसे हम इस तरह से चिकना कर लेंगे। हमारे घर में जो कांटा चम्मच होता है उसके पीछे वाली साइड से कुछ इस तरह से आराम आराम से डिज़ाइन बनाएंगे। तो ऊपर का हमने इस तरह से बनाया और ये साइड में, तो ये बहुत जल्दी बन जाता है।
आप ध्यान से देखिएगा तो इसे बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। बहुत जल्दी कुछ इस तरह से मैंने बनाया, तो आप देखिए और इसे इस तरह से बनाइए। बच्चों को देंगे तो उसे भी अच्छा लगेगा। मैं इसे नज़दीक से दिखा दे रही हूँ कि बनने के बाद ये कुछ इस तरह से लगते हैं, तो मैंने सारे को बना लिया है। अब चलिए इसे फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने तेल को मीडियम गर्म कर रखा है, तो हम इस तेल में धीरे धीरे आराम आराम से डालते जाएंगे, और तेल ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, और इसे ऊपर से भी डालेंगे। तो देखिए हमने जो तेल इसमें डाला तो डिज़ाइन हमारा और उभर कर आया है। तो ये इसी तरह से डालते जाइए एक दो मिनट, और फिर देखिए कि ये फूले फूले हो जाएंगे, और ऊपर से भी और नीचे से भी तो लग ही रहे हैं। तो हम इसे मीडियम फ्लेम पे ही कुछ इस तरह से करेंगे, वरना ये एक ही जगह पे काले पड़ जाएंगे। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए। तो हमारा ये नाश्ता ऊपर और नीचे से दोनों तरफ से अच्छी तरह से सिक चुका है, तो हम इसे बहुत ही आराम से धीरे धीरे से इस तरह से पलटी कर लेंगे। ज़्यादा ज़ोर से नहीं करेंगे, वरना ये फटने का ये रहता है। ऐसे ये देख रहे हैं कि ये इसका डिज़ाइन जो है वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ है। ये देखिए ये बिल्कुल बने हुए हैं जैसा हमने बनाया था। आप ऊपर से एक बार फिर से इस तरह से डाल देंगे, तो ऊपर नीचे करते हुए इसे आप अच्छी तरह से फ्राई कीजिए। हमारा नाश्ता पूरी तरह से लाल होने लगा है, ये देखिए, और ये गल भी चुके हैं। तो इसे अब हम निकाल लेंगे, और इस तरह से अगर आपने कुछ लाल बिल्कुल किया तो ये शाम तक बिल्कुल करारे रहते हैं। तो ये देखिए मैं इसे नज़दीक से भी दिखा देती हूँ कि इसका डिज़ाइन और इसका कलर कितना खूबसूरत लग रहा है। ये जब आप मेहमान को देंगे तो वो भी पूछेंगे कि आपने इसे किस तरह से बनाया, कैसे बनाया। तो एक बार इसे ज़रूर बनाइए। तो हम इसे जब तिरछा कर देंगे तो इसमें से जो भी तेल वगैरह हैं वो सब निकल जाएंगे। तो चलिए इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं। तो ये कुछ ठंडे हो चुके हैं, तो ये देखिए ये हमारे जो नाश्ते हैं वो बिल्कुल सुपर कड़क की तरह है। तो मैं इसे तोड़कर भी आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, है ना, इस तरह के सूजी से बना हुआ नाश्ता आपके घर में सबको बहुत पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।